भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने अमेरिका से हर साल 30 लाख टन कच्चा तेल खरीदने का करार कर लिया है। इस कच्चे तेल की आपूर्ति इसी साल 1 अप्रैल से शुरू भी हो जाएगी। आईओसी इस करार पर करीब $1.5 अरब हर साल खर्च करेगी। भारत में इस डील की घोषणा उस समय में हुई है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की डील कर रहे थे। क्राउन प्रिंस मंगलवार को भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस फैसले से कच्चे तेल के लिए अरब देशों से निर्भरता अब कम हो जाएगी। इंडियन ऑयल अपनी तेल की जरूरतों का अधिकांश तेल लॉन्ग टर्म डील के माध्यम से खरीदता है, जो ज्यादातर ओपेक देशों के साथ ही होती है। ओपेक के सदस्य देशों में अधिकांश अरब देश शामिल हैं। इस डील से ओपेक देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जो कि भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। आईओसी से पहले दूसरी सरकारी रिफाइनरी कंपनियां अमेरिका से स्पॉट मार्केट के जरिए कच्चे तेल की खरीदारी कर रही थी। ये खरीदारी टेंडर बेस पर होती थी। कंपनियां बोर्ड की अनुमति के बगैर खास अवधि या मात्रा में तेल खरीदने का समझौता नहीं कर सकती। आईओसी और बीपीसीएल एचपीसीएल जैसी कंपनियां पश्चिमी एशिया की तेल कंपनियों के साथ ही तेल खरीदने के लिए सालाना करार करती थी, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए आईओसी ने अमेरिका से एक कार्गो क्रूड ऑयल के लिए टेंडर दिया था। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि अब बोर्ड ने सालाना करार के आधार पर अमेरिका से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।